खबर रवि राय। हाँ चौथी शताब्दी ईस्वी सन की किताब है। मैं देखो तो आठवीं नवीं शताब्दी दसवीं शताब्दी की मानी जाती है। हमने इसको एडिट किया है, नीचे आइए तो हम एडिट डॉक्टर रामचंद्र मिश्रा। मिश्रा जी आप यहाँ पे कब से हैं, क्या कार्य है आपका? हम यहाँ 2005 से काम कर रहे हैं और पांडुलिपियों के संरक्षण के बारे में, पांडुलिपियों का संरक्षण का पूरा कार्य हम करते हैं इसमें, जिससे इसमें प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, क्यूरेटिव कंजर्वेशन यह सब आता है। दो प्रकार कंजर्वेशन है, अभी हमारे यहाँ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन ही चल रहे हैं, क्यूरेटिव कंजर्वेशन भी चलाया जाएगा। पांडुलिपियाँ नुकसान न हो इसके लिए हम हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। कितनी पांडुलिपियाँ हैं हमारे यहाँ? लगभग 4200 से अतिरिक्त 4500 के अतिरिक्त पांडुलिपियाँ हैं। कितनी पुरानी है? पुरानी में 250 से लेकर के लगभग 1000 तक पुरानी पांडुलिपियाँ, ताड़पत्र पर भी हैं, पेपर पे भी हैं, हैंडमेड पेपर पर है, कुछ भोजपत्र भी पर भी राजपाल रुपया भोजपत्र भी उपलब्ध है। कैसे मिलती हैं आप लोगों को पांडुलिपियाँ? ये तो पांडुलिपियाँ डॉक्टर कौड़ी शुक्ला जो हमारे इस संस्था के हेड हैं और उन्हीं के द्वारा ये सब कलेक्ट किया हुआ पांडुलिपियाँ हैं। संरक्षण का कार्य तो जब से ये संस्था शुरू हुई तभी से संरक्षण का कार्य चल रहा है और आज हम संरक्षण में 2005 से हम इसमें पांडुलिपि संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब इसके बारे में हमारे संस्था के हेड प्रोफेसर कौड़ी शुक्ला जी जो कि पांडुलिपियों का कलेक्शन किए हैं, संस्था के संस्थापक भी हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। हाँ पहले जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे और उसके बाद डीन भी हुए, डीन होकर के रिटायर्ड हुए, लेकिन अपने कार्यकाल में ही जब वो हेड थे उसी समय 1978 में इस संस्था का स्थापना किए और तभी से सतत प्रयास कर रहे हैं और इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में, इसके संरक्षण में जो कुछ सरकारी अनुदान मिल जाते हैं उसके माध्यम से और स्वयं का अपने पास से लगा करके इसका जो भी विकास आज तक चल रहा है वो अपना करते हैं। कितना कैसे आप लोग इसको संरक्षित करते हैं, क्या केमिकल यूज़ करते हैं? इसके संरक्षण में देखिए पहले जब अगर हमारे पास जो पांडुलिपियाँ हैं उसको पहले हम फ्यूमिगेट करते हैं। फ्यूमिगेट इसलिए करते हैं कि उसमें जो
पहले से जमा हुए जो डस्ट है वो जो नुकसान करते हैं वो शरीर के लिए भी हार्मफुल है, इसलिए पहले हम फ्यूमिगेट करते हैं कि उसमें जो भी लार्वा हैं जैसे टर्माइट है, सिल्वर फिश है, काकरोच है, ये सब इसके लार्वा होते हैं, वो लार्वा उसमें किताबों में उपलब्ध रहते हैं, वो शरीर को हार्मफुल कर सकते हैं, इसलिए पहले हम उसको फ्यूमिगेट करते हैं प्राथमिक नंबर। फ्यूमिगेट करने के बाद तब उसका हम एक डॉक्यूमेंटेशन शीट बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन शीट में इसमें हमको क्या करना है, इसको कैसे संरक्षित करना है, उसके बाद उसी अनुसार से उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। पहले उसको प्राथमिक रूप से उसको सफाई करेंगे, उसके पन्नों को झाड़ने सफाई करेंगे, वो भी बहुत ही सॉफ्ट ब्रश से। ये जो ब्रश आपको दिखाई दे रहा है ये शावेल का ब्रश है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे पन्ना जो है वो पर्ण नुकसान नहीं होते हैं। इससे सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद फिर उसको एसिड फ्री हैंडमेड पेपर और माउंट बोर्ड के माध्यम से और स्टार फिश वेस्टर्न जो आपका वेस्टर्न होता है कपड़ा उसमें माड़ रहते हैं, उस माड़ को माड़ के लालच में तमाम प्रकार के कीड़े उसमें उस पर अटैक करते हैं किताबों पर, तो इसलिए उसको हम पहले स्टार्च फ्री करते हैं, वेस्टर्न को स्टार्च फ्री करके तब फिर हम उसको उसमें लपेटते हैं। लपेट करके उसको बहुत ही मतलब जैसे किताबों को इस तरह से जैसे बच्चों को छोटे बच्चे को जिस तरह से हम लालन पालन करते हैं उसी तरह से इन पनडुब्बियों को बहुत ही स्मूथ तरीके से उसका हम संरक्षण करते हैं जिससे वो नुकसान और नष्ट न हो, नष्ट होने से उसको बचाएं।